भगवान शंकर के कहने पर सभी देवताओं ने बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान नारायण की स्तुति गाई है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, नमोस्तु तस्मा उपशांत सक्तये स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मनि गुणे सुमाया रचिते सुब्रति भे न संजमानाय नमस्तु। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, हे भगवान आप कृपा करके हमें दर्शन दें, आप वायु के समान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं, आपके समक्ष आते ही संसार की समस्त शक्तियां शांत हो जाती हैं। हे नारायण हे भगवान कृपा करके दर्शन दें दर्शन दें दर्शन दें। देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान विष्णु प्रकट हुए, लेकिन भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो भगवान को केवल दो लोगों ने देखा। वेद व्यास जी लिखते हैं, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वक्षाम मरकत श्यामाम कंज गर्भारुणे क्षणाम। वहां 33 कोटि देवता थे, लेकिन उन्हें नहीं देख पाए। देखा दो लोगों ने, किसने कहा, ब्रह्मा ने देखा और ब्रह्मा के साथ में भगवान शंकर ने देखा। देवता इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि भगवान के संपूर्ण शरीर से स्वच्छाम मरकत श्यामाम स्वच्छ मरकत मणि के समान तेज निकल रहा था, और भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज के कारण देवताओं की आंखें चकरा गईं, चौंधे आ गईं। देवता खुद को देखने में असमर्थ हो गए। तब भगवान ने अपने तेज को शांत किया, देवताओं ने दर्शन किए, अपनी समस्या भगवान को बताई। तब भगवान ने देवताओं को उपाय बताया और कहा, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम् अविलंबितम् यस्य पीतस्य वै जन्तुर् मृत्योग्रस्तो अमरो भवेत्। हे देवताओं, तुम बिना विलंब किए हुए ही अमृत तत्व को निकालने का प्रयत्न करो, जाओ जाकर के राक्षसों से मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा, भगवान क्या कह रहे हो, राक्षसों से मित्रता करें? भगवान ने कहा, हाँ इस समय राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है और तुम्हारे ऊपर काल की कुदृष्टि है, तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, इसलिए राक्षसों के पास जाओ, जाकर के उनसे दोस्ती कर लो, संधि कर लो, मित्रता कर लो, और उनसे जाकर के कहो कि भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है। राक्षस और देवता एक ही पिता की संतान है। कश्यप ऋषि की दो पत्नी है, दिति और अदिति, दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। तो कहा, भैया हम भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग पर पिता तो एक है, और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है, हमारी ही हानि होती है, हमारा ही बुरा होता है। तो राक्षस पूछेंगे क्या करें, तो उनसे कहना समुद्र मंथन करो। भी पूछेंगे उससे क्या होगा, तो बताना समुद्र मंथन करने पर अमृत तत्व निकलेगा, जिस अमृत तत्व को पी करके हम अमर हो जाएंगे, संसार में राक्षसों का और देवताओं का अधिपत्य स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने राक्षसों से जाकर के मित्रता की, सारी बात समझाई, राक्षस देवताओं की बात में आ गए और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु बोले कि अब मैं कच्छप अवतार धारण करूंगा। यहां भगवान कछुआ बने, जिसे हम कच्छप अवतार कहते हैं, कूर्मा अवतार, कछुआ बन करके समुद्र के भीतर गए, मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, मंद्राचल की मथानी बनाई गई, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाई गई। अब
समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्प के पूछ की तरफ है राक्षस और सर्प के मुख की तरफ है देवता। किसी देवता ने कह दिया कि राक्षस तो देखो बड़े कायर हैं, डरपोक हैं, तभी तो सांप के पूछ की तरफ लगे हैं। अब किसी राक्षस ने सुन लिया तो राक्षस तो राक्षस, तुरंत देवताओं से कहा चलो जगह बदलो। देवता यही चाह रहे थे, सारे देवता पूछ की तरफ और सारे राक्षस मुख के तरफ, सर्प के मुख के तरफ। अब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर प्रथम रत्न के रूप में, पहले रत्न के रूप में क्या निकला, क्या निकला, जोर से बोलिए। विष निकला, जहर निकला, कालकूट निकला, गरल निकला, हलाहल निकला, विष, भयंकर खोलता हुआ विष निकला। और जब विष निकला तो इतना भयंकर विष कि उसे देख करके हाहाकार मच गया चारों तरफ। क्या करें, देवता और राक्षस समुद्र छोड़ करके भागने लगे, इस विष से कौन बचाए। तब देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान शंकर को पुकारा है, नमोस्तु अग्निर्मुखम् ते खिले देवतात्मा चितलिं विदुरलोक भवानि पंकजं कालं गत्यन्ते खिले देवतात्मनो दिशश्च करणोरसनं जलेश। सारे देवता और राक्षस जब समुद्र से जहर निकलता है तो यहां वहां भागने लगे, फिर मन में सोचते हैं किसे बुलाया जाए जो इस विष से हमें बचाएगा। एक स्वर में भगवान महादेव का ध्यान किया, हे भूत भावन त्रिपुरारी भगवान शंकर, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध अधो, ये दसों दिशाएं आपके कान हैं, पृथ्वी आपके पैर हैं, जल आपकी जीभ है, काल आपकी गति है। हे सृष्टि पालक, हे सृष्टि के रक्षक, हे सृष्टि के संहारक बाबा विश्वनाथ, हे कालों के काल महाकाल, इस उग्र विष से हमारी रक्षा करो, बचा लो बचा लो बचा लो। एक स्वर में सबने भगवान को बुलाया है, और एक स्वर में जब सबने भगवान शंकर को बुलाया तो भगवान शंकर हैं भी बड़े भोले भाले। इस दुनिया में यदि सबसे भोले भाले कोई है तो वो कौन है, भोलेनाथ, नाम ही है भोलेनाथ। दुनिया में जब कोई काम बन ना रहा हो, दुनिया में जब कोई काम बन ना रहा हो, बहुत से देवी देवताओं की शरण में जा चुके हो आप, फिर भी काम ना बने, तो एक बार भोलेनाथ की शरण में जाना और भाव से प्रार्थना करना। बिगड़े काम बन जाते हैं, बनते बनते वाले काम और अच्छे से बन जाते हैं, ऐसे हैं भगवान शंकर। एक बार की बात है, आप जैसा ही कोई भक्त था भगवान का, बड़ा बड़ी भक्ति करता था, भगवान शंकर की तपस्या की उसने, भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोलते हैं बताओ वत्स क्या चाहते हो। वो कहता है महाराज मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने भी कह दिया तथास्तु। तो वो भक्त क्या कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखूंगा आप भस्म होते हो या नहीं, और वो कहलाया भस्मासुर। मतलब इतने सरल हैं, ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं और खुद उस फिर वरदान में चक्कर में पड़ भी जाते हैं। एक चोर था, चोर का काम चोरी करना।
एक दिन चोरी करने वाला चोर मंदिर पहुंचा भगवान शंकर के। अब भगवान शंकर के मंदिर में तो कुछ भी नहीं, तो चोर कहता है कि मुझसे बड़े भिखारी तो ये हैं, इनके मंदिर में क्या है, एक पत्थर की मूर्ति है, ना कोई गहना ना कोई जेवर। राधा कृष्ण के मंदिर में जाऊं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाऊं, गणेश जी के मंदिर में जाऊं, दुर्गा के मंदिर में जाऊं, तो न जाने कितने गहने मिले। इनके पास तो कुछ नहीं, बिल्व पत्र फूल बस, ये तो मुझसे बड़े भिखारी। कहते हैं घन घन भोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, घन घन भोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे बीराने में। ऐसे हैं भगवान शंकर। तो चोर ने कहा इनके मंदिर में तो कुछ नहीं है, ऊपर दृष्टि गई तो घंटी लगी थी बड़ी वाली घंटा। चोर ने कहा चलो ठीक है, इसी घंटे को निकाल लूं, बेच दूंगा, कुछ तो मिलेगा। अब जब घंटी निकालने लगा तो उसके हाथ वहां तक पहुंचे ना, उसने क्या किया, अब मंदिर में कोई कुर्सी तो थी नहीं कि कुर्सी पे चढ़ के घंटी खोल ले। भगवान शंकर का जो शिवलिंग था वो ही काफी बड़ा था, उस शिवलिंग के ऊपर चोर चढ़ गया और चढ़ करके घंटी खोलने लगा। भगवान शंकर विचार करते हैं कि कितना बड़ा भक्त है, कोई मुझ पे दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई शहद शक्कर घी चढ़ाता है, लेकिन इस भक्त को तो देखो, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और भगवान शंकर प्रकट हो गए, बताओ वत्स क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, बताओ क्या दूं। सचमुच इतने भोले हैं भगवान शंकर, सचमुच इतने भोले हैं, बहुत भोले भोलेनाथ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भाग्य में यदि कुछ लिख दिया है यहां पे, उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको मिटाने की ताकत किसी देवी देवता में नहीं है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, केवल और केवल भगवान शंकर ही हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकते हैं, होनी को अनहोनी बना सकते भगवान शंकर। और देवताओं ने जब जहर निकलते देखा तो सोचा किस देवता को बुलाया जाए, किसी देवता को आप बुलाओ कि जहर पी लो आके, कोई देवता जहर पीने आएगा, कोई नहीं आएगा, और ऊपर से और कहेगा जहर पिलाता है, ले श्राप, श्राप दे देगा। लेकिन भगवान शंकर को देवताओं और राक्षसों ने जब एक स्वर में बुलाया विस्पान करने के लिए, तो इतने भोले महादेव बिना सोचे समझे क्षीर सागर में विस्पान करने के लिए प्रकट होते हैं, इतने भोले।